नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस के विषय में कि नाइन्थ हाउस से हम किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग द नाइन्थ हाउस विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नाइन्थ हाउस को किस प्रकार से देखें और क्या क्या चीज़ें उनकी सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि नाइन्थ हाउस होता कौन सा है आपकी कुंडली के अंदर। तो देखिए, आपके पास जो भी कोई कुंडली हो उसे खोल करके आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उसमें से किसी कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके इस हाउस में नंबर को अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पर लग्न एसेंडेंट एएससी या एलए लिखा होगा, तो ये आपका लग्न हो गया। यहाँ से नौ घर आगे गिनने पर, नाइन हाउस आगे गिनने पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला जो हाउस होता है इसे नाइन्थ हाउस बोलते हैं। अब आपको मालूम हो ही गया है कि नाइन्थ हाउस आपका कौन सा है, तो अब देखते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नाइन्थ हाउस हमें किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी देता है। नाइन्थ हाउस जातक के भाग्य के विषय में बताता है कि जातक का भाग्य कैसा होगा, जातक अपने भाग्य के सहारे से किन किन चीज़ों की प्राप्ति करेगा, किन किन चीज़ों की प्राप्तियां उसे भाग्य के सहारे से होंगी। इसके साथ साथ जातक अपने होने वाले बच्चों के बच्चे जिन्हें ग्रैंडसन कहते हैं उनके विषय में भी जानकारी नाइन्थ हाउस के माध्यम से प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ जो नाइन्थ हाउस है ये बताता है कि जातक के लिए राज्य कृपा, राज्य और राज्य सरकार से जो कृपा प्राप्त होती है उसके विषय में कैसा रहेगा, क्या जातक को सरकार राज्य की तरफ से कोई कृपा प्राप्त होगी, किसी प्रकार की कोई हेल्प प्राप्त उसे हो सकती है, इसके विषय में नाइन्थ हाउस बताएगा। इसके साथ साथ जो नाइन्थ हाउस है वह जातक के स्पाउस के भाई बहनों के विषय में बताएगा कि जातक के स्पाउस के जो भाई बहनें या ये कहें कि जातक के जो साले और सालियां हैं वे किस प्रकार के होंगे, कितने होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, इन सब बातों के विषय में नाइन्थ हाउस बताता है। इसके साथ साथ जो नाइन्थ हाउस है ये धर्म कर्म के कार्यों के विषय में, रुचि के विषय में बताता है कि क्या जातक अगर यहाँ पर अच्छे प्लेनेट मौजूद हैं और अच्छी और शुभ राशियां राशि है तो, और अच्छे प्लेनेट की एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पर पड़ रही है तो जातक धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ा रहता है, किसी न किसी प्रकार से वह धर्म और धार्मिक कार्यों को डेली रूटीन लाइफ में अपने करते रहता है और भगवान की कृपा, यहाँ पर गॉड की ब्लेसिंग, भगवान की कृपा आशीर्वाद भी देखा जाता है कि कितना प्राप्त होता है। जब कोई जातक अपने डेली रूटीन में धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ा रहता है, दान करता है, धर्म के कार्य करता है, लोगों की सेवा करता है, किसी भी प्रकार से लोगों की सेवा करता है, जानवरों पक्षियों की सेवा करता है, तो उसे भगवान की तरफ से कृपा प्राप्त होती है जिसकी वजह से वह लाभ प्राप्त करता है। इसके साथ साथ जो नाइन्थ हाउस है ये गए जन्म के विषय में भी बताता है, जो गया जन्म है उसके विषय में भी जानकारी नाइन्थ हाउस देता है, काफ़ी हद तक जानकारी देता है। इसके साथ साथ जो नाइन्थ हाउस है यह लंबी दूरी की यात्रा के विषय में भी बताता है। देखिए, लंबी दूरी की यात्रा वे होती है जो जहाँ पर आपका जन्म हुआ है या जहाँ पर जातक का जन्म हुआ है वहाँ से किसी दूसरे शहर की यात्रा, जो उसके शहर से उसके घर से काफ़ी दूरी पर हो वह भी लंबी दूरी की यात्रा में काउंट होता है। परंतु आज के समय में जिस प्रकार से साधनों की व्यवस्था हो गई है, फ्लाइट से आप बैठ करके थोड़ी देर में ही किसी दूसरे शहर में पहुंच सकते हैं, तो ये भी तो लंबी दूरी की यात्रा होती थी पहले समय में, क्योंकि इस दूरी की यात्रा को करने में काफ़ी समय लग जाता था, कई साल लग जाते थे, परंतु अभी इस सब कार्य चुटकियों में हो जाता है। तो इसलिए ये जो नाइन्थ हाउस अब बताता है यह बताता है फॉरेन लैंड, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश विदेश से संबंधित यात्राओं के विषय में भी बताता है कि नाइन्थ हाउस बताता है कि क्या जातक विदेश जाएगा। अगर नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है, नाइन्थ हाउस में अच्छे प्लेनेट है और इसके साथ साथ और भी जो योग बनते हैं विदेश जाने के लिए या विदेश यात्रा के लिए, तो उनके विषय में जानकारी
योगदान करता है नाइन्थ हाउस। इसके साथ साथ जो नाइन्थ हाउस है यह जातक की लेफ्ट, अगर मेल जातक है तो उसकी लेफ्ट थाई के विषय में, और अगर जातक फीमेल है तो उसकी राइट थाई के विषय में भी जानकारी देता है कि उसकी राइट थाई या लेफ्ट थाई कैसी होगी। अगर यह हाउस और इसके किसी भी प्रकार से शुभ अवस्था में है तो जातक की थाई अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, सुंदर होगी, और यदि किसी कारण से यह हाउस पीड़ित है तो हो सकता है कि जातक की थाई किसी प्रकार से रोगग्रस्त हो, कोई उसके अंदर निशान, कोई मासा, कोई तिल, कोई लहसुन, इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से विकृत होना ये यहाँ से पता चलता है। इसके साथ साथ जो नाइन्थ हाउस है ये बताता है कि पिता, जो जातक के पिता हैं, उनका संबंध जातक के साथ कैसे रहेगा। जातक, जातक के पिता के विषय में भी जानकारी नाइन्थ हाउस प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आज हमने देख, इसके साथ साथ जो नाइन्थ हाउस है एक चीज़ की जानकारी और देता है। नाइन्थ हाउस यहाँ पर हायर एजुकेशन के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है कि क्या जातक विदेश या विदेश से किसी प्रकार की कोई एजुकेशन प्राप्त करेगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा, जिसके माध्यम से वे फौरन जा सके या फौरन जा पाए, इस प्रकार की जानकारी भी नाइन्थ हाउस प्रदान करता है। तो आज हमने देखा कि नाइन्थ हाउस को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किस प्रकार से देखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप फिर इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।